to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 66वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शिमला स्थित अपने मुख्यालय में मनाया। समारोह में कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आरपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अपने संबोधन में आरपी सिंह ने कहा कि कंपनी ने अब तक के अपने सफर में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। पन बिजली क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद कंपनी अब पवन ऊर्जा और ताप ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने कदम रख रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभा रही है। इस दौरान उन्होंने खेल व अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कंपनी के कार्मिक निदेशक NL वर्मा सहित दूसरे अधिकारीगण व कर्मचारी भी मौजूद थे। आपको इस पावन अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जल विद्युत में तो महारत हासिल कर ही चुके हैं और इसका प्रमाण नाथा जाकरी जल विद्युत परियोजना है और उसके नीचे रामपुर और न जाने कितने अन्य परियोजनाएं आपने अपने हाथ में लिए। इसके साथ साथ नेपाल में अरुण थ्री के माध्यम से आपने 400 केवी के लाइन में भी आपने कदम रख दिया है। स्वतंत्रता सेनानी रमेश्वर चंद अवस्थी का सोमवार देर रात निधन हो गया। नादौन में ब्यास नदी के किनारे मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अवसर पर शमशान घाट में पुलिस की एक टुकड़ी ने शस्त्र झुकाकर व हवा में फायर कर स्वतंत्रता सेनानी को सलामी दी। रमेश्वर चंद अवस्थी को स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद किसान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मूलतः जयसिंहपुर तहसील के तहत मोलक गांव के रमेश्वर चंद अवस्थी पिछले 25 सालों से नादौन में स्थानीय विश्राम गृह के कर्मचारी प्रेम कुमार बहादुर के पास रह रहे थे। इनका जन्म सन 1926 में हुआ था और इनकी जल्दी इनकी छोटी एज में छोटी उम्र में जो हमारे दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद सारी जो घर की बागडोर थी इनको संभालनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लाहौर में भी गए और उसके बाद ये श्री कंवर दुर्गा चंद जी के संपर्क में आ गए। कंवर दुर्गा चंद जी के संपर्क में आने के बाद इनका सक्रिय राजनीति जीवन शुरू हो गया। इन्होंने हमारे हिमाचल में कई आंदोलनों में भाग लिया। छात्रों की समस्याओं को लेकर NSUI ने सिरमौर जिला के तमाम कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। छात्र संगठन इस संयुक्त हस्ताक्षर ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे राज्यपाल को सौंपेंगे। NSUI के जिला महासचिव प्रदीप शर्मा ने बताया कि कंपार्टमेंट में छात्रों को दाखिला देना, प्रवेश तिथि बढ़ाना और गोल्डन चांस देना आदि छात्रों की मुख्य मांगे हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर NSUI ने सिरमौर जिला के तमाम कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। इस संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन के माध्यम से छात्रों की मांगे राज्यपाल को सौंपी जाएगी। NSUI के जिला महासचिव प्रदीप शर्मा ने बताया कि कंपार्टमेंट छात्रों को प्रवेश न मिलने से हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने मांग की कि इन छात्रों को कॉलेजों में दाखिला दिलाया जाए और हाल ही में परीक्षा परिणामों में जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है उन्हें गोल्डन चांस इसे यूनिट जिला सिरमौर ने पूरे जिला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। हमारा हस्ताक्षर अभियान
का जो मुख्य मुद्दे हैं वो है कंपार्टमेंट के छात्र को प्रवेश मिलना चाहिए तथा सभी कॉलेजों में प्रवेश तिथि खुलनी चाहिए। हमने एक और मुद्दा उठाया है कि जिन छात्रों की कंपार्टमेंट नहीं टूटी है उनको एक गोल्डन चांस बीवी प्रशासन की ओर से दिया जाना चाहिए। हम पूरे जिला स्तर पर ही ऐसा सर्वे चला चुके हैं और अभी तक हमसे कम से कम 700 से 800 छात्रों का सहयोग प्राप्त हो चुका है और हम यह हस्ताक्षर अभियान 16 तारीख तक जारी रखेंगे और 16 तारीख को हम इसे उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपेंगे। सतीश शर्मा, नाहन, 7C, हिमाचल आजकल। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन ने सोलन में अपनी मांगों के समर्थन में एक रैली निकाली। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार न्यूनतम वेतन न देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है। यूनियन ने मांग की कि कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएं। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोलन में अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। रैली को संबोधित करते हुए यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष उषा ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है, उन्होंने न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे चुनावों में सरकार के खिलाफ उतरेंगी। मनीष शारदा, सोलन, 7C, हिमाचल आजकल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल लेखक एवं कलाकार संघ ने शिमला में सम्मान समारोह एवं कवि गोष्ठी का आयोजन किया। समारोह में अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए डॉक्टर जयदेव सिंह रटोला, लेखक रमेश चंद और शिल्पी ठाकुर सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें देशभक्ति पर आधारित कविताओं का पाठ किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर R.D. शर्मा ने कहा कि संघ स्वतंत्रता दिवस पर हर साल कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका मकसद भावी पीढ़ियों को इस दिन के महत्व के बारे में अवगत करवाना है। सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को हम सम्मान दे रहे हैं। एक यशपाल शर्मा सम्मान है जो श्री R.C. शर्मा जी IAS रिटायर्ड हैं, उनको दिया जा रहा है। और एक ठाकुर सिंह जी हैं किन्नौर के चिनार से, जो वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कई वर्षों से, उनको हम हिमबाला पुरस्कार दे रहे हैं। और तीसरे हमारे हैं जय देव सिंह रेटोला, जो बहुत रिनाउंड फिजिशियन है, जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े इनाम हासिल किए हैं, अवार्ड है, उनको हम धनवंतरी सम्मान दे रहे हैं। इस तरह से लेखक संघ का एक कर्तव्य रहा है बहुत पिछले वर्षों से भी। पिछले वर्ष भी हमने एक यशपाल शर्मा सम्मान दिया था। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की ये झलक। लगा चंबे दिया धारा, गोरी चढ़ मन नच दी गांधी चंबे दिया धारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया धारा। ओ चंबे दिया धारा पैंदिया फुहा, गोरी बेड़ा चारण जांदी चंबे दिया धारा, गोरी दा चित लगा चंबे दिया धारा। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, राज्य स्तरीय समारोह कुल्लू में आयोजित, मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, कहा प्रदेश सरकार है भ्रष्टाचार में डूबी हुई।
आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय जानकारियों से जुड़ी पुस्तक बाजार में आई। प्रदेश के लिए है ये पुस्तक काफी ज्यादा लाभदायक। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर पालमपुर पुलिस ने नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हिमाचल आजकल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भानु, एडिटर इन चीफ, हिमाचल आजकल।